कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा है कि रामद्रोही को गोद में उठाए घूम रहे राहुल गांधी की पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े कर एफिडेविट दिए थे कि राम काल्पनिक हैं, पर ये जानते नहीं थे कि मोदी आएंगे और आज राम मंदिर कानून के अनुसार बनवाएंगे। रामद्रोहियों को देश साफ है, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। वीरेंद्र सचदेवा है, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने यहां पर ये एक्स पर पोस्ट डाला है और उसके बाद यहां पर ये चर्चा भी अब शुरू हो गई है। और आइए अब आपको कन्हैया कुमार का राम मंदिर को लेकर वो बयान हम सुनाते हैं जिसको लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पर वार किया है। बन जाएगा मसला ये, जब भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को रचा है तो मंदिर सिर्फ अयोध्या में, सिर्फ अयोध्या में क्यों? मंगलयान गया है, राम जी की एक मूर्ति भेज देते हैं, वहां भी एक मंदिर बन जाएगा, चांद पर भी एक मंदिर बन जाएगा। मसला यह है कि मंदिर बनाना ही नहीं है, मंदिर बन जाएगा तो सरकार नहीं बन पाएगी, इसीलिए यदि सरकार बनाना है तो मंदिर नहीं बनाना है। तो छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उन सभी सीटों पर ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 के संवाददाता मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद 9 बजे का पोल परसेंटेज भी सामने आएगा। सबसे पहले न्यूज 18 के दर्शकों तक पहुंचाएगा सबसे बड़ी कवरेज, महाकवरेज। लगातार मतदान की जारी है, आप कहीं मत जाइए, लगातार बने रहिए हमारे साथ। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।